आज हम बात करेंगे राज कुंद्रा की जिंदगी के बारे में और बताएंगे आपको कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला ये लड़का इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया। इस कहानी की शुरुआत होती है 9 सितंबर 1975 से, जब बाल कृष्ण कुंद्रा और उषा रानी कुंद्रा के घर एक बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया रिपुसुदन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा। उनके पिता बाल कृष्ण कुंद्रा रोजी रोटी की तलाश में लुधियाना से लंदन चले गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती दिनों में अपने परिवार के पालन पोषण के लिए राज के पिता ने कई कामों में हाथ आजमाया। उन्होंने कभी फैक्ट्री में काम किया तो कभी बस कंडक्टर की नौकरी की। उनकी पत्नी उषा रानी भी चश्मे की दुकान में काम करती थी। यानी राज का बचपन काफी तंगी में गुजरा। हालांकि राज की जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उनके पिता भी धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए और लंदन में एक सफल मिडिल क्लास बिजनेसमैन बन गए। जब राज 18 साल के हुए तो उन्होंने कॉलेज को अलविदा कह दिया। पिता ने उन्हें अपना रेस्टोरेंट संभालने के लिए कहा, लेकिन राज कुंद्रा कुछ और करना चाहते थे। उन्होंने पिता से कुछ पैसे लिए और बिजनेस करने दुबई चले गए। दुबई में उन्होंने हीरा कारोबार में हाथ आजमाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इसी दौरान राज नेपाल गए। वहां उनकी नजर पश्मीना शॉल पर पड़ी। नेपाल में इस शॉल की कीमत काफी कम थी, तो राज को एक बिजनेस आइडिया आया। उन्होंने नेपाल से कई शॉल खरीदे और लंदन वापस आ गए। यहां उन्होंने कुछ ब्रांडेड स्टोर से टाई अप किया और ये शॉल लंदन में बेचने शुरू कर दिए। फिर क्या था, राज का बिजनेस चल निकला और कुंद्रा का टर्नओवर लगभग 20 मिलियन यूरो हो गया। राज के पास अब बाकी बिजनेस में हाथ आजमाने के लिए पर्याप्त पैसा था। उन्होंने हीरो के व्यापार में हाथ आजमाया और कामयाब रहे। रूस, यूक्रेन और यूएई जैसे देशों में व्यापारिक संभावनाएं देखते हुए राज ने खनन और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि साल 2004 में सक्सेस पत्रिका ने राज को ब्रिटेन के सबसे अमीर एशियाई मूल के लोगों की सूची में 198वें नंबर पर रखा था। उस वक्त राज की उम्र सिर्फ 29 साल थी और उस वक्त वो इस सूची में शामिल होने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। राज की पहली शादी 2005 में कविता से हुई। इन दोनों की एक बेटी भी हुई, लेकिन 2007 में राज और कविता का तलाक हो गया। फिर साल 2007 में शिल्पा शेट्टी ने बिग ब्रदर शो में शिरकत की और इंग्लैंड में खूब लोकप्रियता बटोरी और इस शो की विनर भी रही। इसी दौरान राज का दिल शिल्पा शेट्टी पर आ गया, जिसके बाद राज ने शिल्पा शेट्टी के नाम से एक परफ्यूम ब्रांड लॉन्च किया जो काफी हिट भी रहा। और इसी दौरान शिल्पा और राज एक दूसरे के करीब आ गए। इंडियन मीडिया की नजर में राज कुंद्रा तब आए जब साल 2009 में उनकी शादी शिल्पा शेट्टी से हुई। उसी साल राज ने आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स में 11.7% की हिस्सेदारी खरीद ली। शिल्पा मुंबई में प्रोड्यूसर बन गई और राज ने फिल्मों में पैसा लगाना भी जारी रखा। साल 2013 में राज पर आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग और सट्टे के आरोप लगे, जिसके बाद कुंद्रा और मैयप्पन को सस्पेंड कर उनकी टीम पर बैन लगा दिया गया। साथ ही उन्हें क्रिकेट से जुड़े किसी भी इवेंट में शिरकत करने की मनाही भी कर दी गई। बिजनेस की बात करें तो राज ने ओटीटी और लॉटरी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस कंपनी वियान इंडस्ट्रीज, भारत में F&B बेस्टियन रेस्टोरेंट का संचालन करने वाली कंपनी बेस्टियन हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड, प्रोटीन एंड एनर्जी ड्रिंक कारोबार में लगी एक्वा एनर्जी बेवरेज LLP और सोशल लाइव स्ट्रीमिंग ऐप का संचालन करने वाली कंपनी GL स्ट्रीम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में निवेश किया। वियान इंडस्ट्रीज एंटरटेनमेंट, गेमिंग, लाइसेंसिंग और एनिमेशन कारोबार में है। इसके अलावा भी राज ने कई बिजनेसेस में अपना पैसा लगा रखा है। यही नहीं, राज कुंद्रा ने हाउ नॉट टू मेक मनी नाम की किताब भी लिखी है। साल 2019 में ईडी ने दाऊद के गुर्गे के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति रंजीत बिंद्रा को गिरफ्तार किया। बाद में ईडी ने रंजीत बिंद्रा के साथ राज के कारोबार के चलते उनसे पूछताछ की। साल 2020 में एक्ट्रेस पूनम पांडे ने राज के खिलाफ केस दर्ज करवाया। फिर फरवरी 2021 में सागरिका शोना सुमन नाम की एक एक्ट्रेस ने भी मीडिया में आकर राज पर संगीन आरोप लगाए, जिसके बाद राज पर पोर्नोग्राफी केस में शिकंजा कसता चला गया और नौबत गिरफ्तारी तक आ गई। अब देखना ये होगा कि क्या राज कुंद्रा खुद पर लगे इल्जामों को गलत साबित कर पाते हैं या नहीं।